अरे नहीं वो तो ठीक है, अब चूंकि घटनाएं ऐसी हुई है इसलिए सतर्कता जरूरी है। ये क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि ये अजय शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा प्रयागराज, ये जो है अपने घर से अपने गैरेज की तरफ आए, फ्रेश होने के लिए गए और सामने बाग में जैसे ही ये बैठे वैसे ही पहले से घात लगाए हुए कुछ हमलावर वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी संख्या 5-6 के आसपास रही होगी। ये लोग ताबड़तोड़ इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिए और फायरिंग शुरू करने के बाद ये लहूलुहान होकर के ज़मीन पर गिर पड़े। फिर उसके बाद हम लोग इनको अस्पताल में लेके आए, यहाँ पर भर्ती किए हुए हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करें और जो भी अपराधी हों उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें। अपना हाँ, मेरा नाम के डी मिश्रा। ये घटना है, जब हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनको गोली लगी है। तुरंत ही हॉस्पिटल में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा, जहां पर डॉक्टर से बातचीत किया गया। उन्होंने बताया कि वो अभी खतरे से बाहर हैं। इस क्रम में पुलिस टीम लगी हुई है। जो व्यक्ति हैं, पीड़ित हैं, उनका नाम है अजय शर्मा। लगभग 35 साल की उनकी उम्र है। उनको 5 गोलियां लगी हैं, कंधे पर और पेट में, और उनकी हालत खतरे से बाहर है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके पहले उनका भूमि को लेकर के, चूँकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो भूमि को लेकर के उनका लोगों से विवाद है, ऐसा सामने आ रहा है। अन्य समस्त एंगल्स पर हम लोग अभी कार्रवाई करते हुए और इस पूरे मामले का जल्दी ही खुलासा करेंगे। जैसा कि सर वो बताया जा रहा है कि बोल चाल रहे हैं, क्या वो किसी पे आरोप लगा रहे हैं या FIR दर्ज करा रहे हैं भी नहीं? अभी तक उन्होंने कुछ किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यही कहा कि वो लोग नकाबपोश थे, लेकिन तुरंत ही जल्दी हम लोग जानकारी लेकर के और इस पर कार्रवाई कराएंगे। इनके घर के लोग बता रहे हैं कि इनके परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही ये लोग तहरीर देंगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कंप्लेन मिलता है केस रजिस्टर करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों की संख्या क्या थी? उन्होंने जो बताया है कि टोटल 3 लोग आए थे जो नकाबपोश थे। इसके बारे में अन्य जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और कार्रवाई शीघ्र कराएंगे। ठीक। आप लोग थोड़ा सा चाचा, सबको अरे नहीं वो तो ठीक है, अब चूंकि घटनाएं ऐसी हुई है इसलिए सतर्कता जरूरी है।